वक्री दृष्टि क्या होती है और इसमें क्या फल मिलता है? शनि की वक्री दृष्टि मतलब सभी जो है जिस प्रकार से हम आगे चलते हैं, दो घर आगे बढ़े और वापस से पीछे आ जाते हैं, तो सभी के वक्री हो जाते हैं। इसी प्रकार से ग्रह वक्री होते हैं, तो उस समय आगे चलते चलते मतलब लगता है कि हम इंदौर से मुंबई के लिए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही मऊ में रुक गए और वापस रिटर्न होकर इंदौर आ रहे हैं, इस प्रकार से वक्री हो जाते हैं। तो इससे फिर वापस हो जाती है 40, सभी ग्रह आगे पीछे होते रहते हैं, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको कई बार लगता है कि हमारे कार्य जो है एकदम सही चलने लग गए थे, वो यकायक उसमें ब्रेक लग गया और वापस से हम तो ऐसा लग रहा रिटर्न हो गए, तो यह भी कोई घबराने की बात नहीं। वापस से शनि क्या सभी ग्रह वापस से आगे बढ़ने लग जाएंगे, तो हमारे जो कार्य रुके हुए हैं वो वापस से बढ़ने लग जाएंगे। शनि की आप जाप करते रहें, मंत्र जाप करें, उनकी आराधना करें, आपके जो ये बीच का समय है यह भी तुरंत निकल जाएगा। व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि उस पर साढ़े साथी लगी हुई है या वह शनि से पीड़ित हो रहा है? मंगल यदि देगा तो वह खून निकलता है। मंगल से यदि हमारा कोई भी एक्सीडेंट होगा या रोग लगता है तो उसमें रक्त अवश्य निकलेगा, लेकिन शनि से यदि हम पीड़ित हैं तो हमारे जितने भी जॉइंट्स है, जितने भी घुटने हैं, जितने भी जोड़ है, वह दर्द करने लग जाएंगे। यदि इस प्रकार के दर्द और जोड़ कर रहे हैं तो आप पे शनि का कहीं न कहीं प्रभाव आ रहा है। साथ ही ऐसे असाध्य रोग, उनमें सब में शनि ही कहीं न कहीं आप पर रहते हैं और इसके लिए ही आपको शनि की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए योग की ज्योतिषी या योग की व्यक्ति आपको सलाह देता है कि यदि शनि से संबंधित है, आपको कोई भी रोग ऐसा लंबा जो चल रहा है, जैसे पैरालिसिस है या कैंसर है, इस प्रकार के रोग है जो लंबे समय तक चलते हैं, या घुटने के दर्द है, आपके घुटने खराब हो गए हैं, या जितने भी जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, अकड़न बनी हुई है, तो इन सब के लिए आपको शनि की शरण में जाना पड़ेगा। साथ ही अपने कार्यों में न्यायोचित कार्य की ओर आपको अग्रसर होना पड़ेगा।